हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल यादव है और मैं आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट हूँ। तो आज मैं आपको एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जिसका नाम है स्पायरल मैट्रिक्स। तो अगर आप बिगनर हो या फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का, तो आपने प्रॉब्लम कभी ना कभी तो सॉल्व किया ही होगा, बिकॉज़ ये लीटकोड पर बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है और ये इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स चेक करने के लिए इंटरव्यूज़ में कई बार पूछ लेते हैं, स्पेशली अमेज़ॉन कंपनी के इंटरव्यू में। तो फिर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको उसे स्पायरल वे में ट्रैवर्स करना है, यानी कि सबसे पहले आप ये राइट साइड में जाओगे, फिर डाउन साइड में, फिर लेफ्ट, फिर अपवर्ड, देन फिर राइट, देन फिर डाउन, देन फिर लेफ्ट, एंड देन लिटिल बिट अपवर्ड, एंड देन इन द एंड। तो जब आप सारे के सारे एलिमेंट्स जब आप ट्रैवर्स कर लोगे, देन यू हैव टू स्टॉप द प्रोसेस, ओके। और आपको ये सब एक लिस्ट में रिटर्न करना है, ओके। तो एक्चुअली मैंने पहले जैसे बताया कि ये प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है ना, और अगर आप इसको ढंग से लिखोगे नहीं इंटरव्यू में, और अगर आपका प्रोग्राम फेल कर जाए, देन इट विल लीव अ वेरी बैड इम्प्रेशन, ओके। और ऐसा हो सकता है कि यू विल गेट कन्फ्यूज व्हाइल यू आर सॉल्विंग इन द इंटरव्यू, ओके। तो फिर इस वाले वीडियो में मेरे पास एक काफ़ी अच्छा अप्रोच है, ओके, जिसमें मैंने इस प्रॉब्लम को बेसिकली एक मॉड्यूलर फंक्शन में तोड़ा है, ओके, एंड इट इज़ ईजी टू रिमेंबर एंड इट इज़ काइंड ऑफ इंट्यूटिव, ओके। सो लेट मी एक्सप्लेन, ओके। तो फिर मैं जो आपको तरीका एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसका इंट्यूशन मुझे कहाँ से आया, ठीक है। तो फिर कोई भी आप मैट्रिक्स पकड़ लो, अगर आप उसके आईएथ रो पे हो, राइट, और अगर आपको उस आईएथ रो के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, ठीक है, तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक रो नंबर चाहिए होगा, और हाँ, हम लोग बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आपको सबसे पहले रो नंबर चाहिए होगा, राइट, फिर आपको एक उसका स्टार्ट इंडेक्स चाहिए, है ना, और आपको उसका एंड इंडेक्स चाहिए, राइट, ठीक है। तो जब आपको ये वाले डिटेल्स पता है, तो फिर आप फंक्शन क्या लिखोगे, ओके। अगर आपको कोई फंक्शन लिखना है जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स पता है, ओके, तो फंक्शन का सिग्नेचर कैसे बनेगा, ठीक है। तो बिकॉज हम इस वाले में राइट साइड में ट्रैवर्स कर रहे हैं, सो लेट मी राइट द फंक्शन नेम एज ट्रैवर्स राइट, ओके। तो सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स पास कर दो, ठीक है, ये जावा का सिग्नेचर है मैट्रिक्स का। फिर उसके बाद आप रो नंबर पास कर दो, फिर उसके बाद आप स्टार्ट इंडेक्स पास कर दो, फिर उसके बाद आप एंड इंडेक्स पास कर दो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपने इस फंक्शन में पास कर दी, एंड देन यू हैव टू प्रिंट इट, ओके। तो आपको एक यहाँ पे फॉर लूप लिखना पड़ेगा, राइट। तो फिर आपका फॉर लूप कुछ ऐसे दिखेगा कि आपने एक्स से शुरू किया, एक्स आपका ये हो गया, फिर आप वाई तक गए और आपने फिर सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ए फंक्शन का सिग्नेचर बनेगा, है ना। और सेम चीज़ जब आप डाउन जा रहे हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, फिर आपका जो फंक्शन है वो कैसा दिखेगा। तो फिर सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी जब आप एक कॉलम में ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है, अप से डाउन या डाउन से अप, यू जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट द इटरेटर, ओके, ये और इंक्रीमेंट द इटरेटर। तो फिर जब आप डाउन ट्रैवर्स कर रहे हो, तो फिर आपको एक कॉलम नंबर चाहिए, ठीक है, वे आप यहाँ पे आपने पास कर दिया। फिर आपको एक स्टार्ट चाहिए और एक आपको एंड चाहिए। तो फिर फॉर इन जे इज इक्वल्स टू एक्स, जे लेस देन इक्वल्स टू वाई, जे प्लस प्लस, प्रिंट मैट्रिक्स जे कॉलम। जे यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप एक के बाद एक रो में नीचे जा रहे हो, ओके। तो ये आपके दो
तो फिर यहाँ पे मैंने आपको दो फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब जब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है, ठीक है। तो फिर मैं उसके लिए फंक्शन लिखूँगा ट्रैवर्स लेफ़्ट, और इसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर अप टू डाउन जाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और फंक्शन लिखूँगा ट्रैवर्स डाउन, ओके, और इसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे। फिर आपको राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट ट्रैवर्स राइट, ओके, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होंगे। और फिर आपको अप जाना है, राइट ट्रैवर्स अप, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होंगे। और क्योंकि ये एक स्टेप के बाद हो रहा है, यानी कि पहले लेफ़्ट टू राइट देन डाउन देन राइट टू लेफ्ट देन अप, तो ये जो भी फंक्शन मैंने यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, ये एक के बाद एक दूसरे को कॉल करेंगे, ठीक है। यू कैन से काइंड ऑफ रिकर्शन, ठीक है। और ये रिकर्शन वाला जो कॉलिंग है, ये ख़त्म कब होगा, जब आप सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर लोगे, ठीक है। और सारे एलिमेंट्स का काउंट कितना होगा, वो आपका होगा एम स्टार एन, ठीक है। तो फिर आप एक काउंट मेंटेन करते हुए चलो, कि जैसे वो जो आपका काउंट है वो आपका जीरो से शुरू हुआ, और जब आपका काउंट एम स्टार एन पे पहुंच जाए, तो फिर आपको ये रिकर्शन ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो इस सीरीज़ में सारे के सारे फंक्शन कॉल होंगे, ओके। सो गाइस, अभी आपको लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन के लिए चार चार फंक्शन लिखने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो भी मैं आपको फंक्शन दिखाऊंगा, उनका सिग्नेचर एकदम सिमिलर है, बस ट्रिकी पार्ट इज़ कि जो पैरामीटर्स पास कर रहे हो, ठीक है, वो आपको वहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा, लेकिन इट्स स्टिल ईजी कंपेयर टू व्हाट, अगर आप दूसरे सबमिशन देखोगे जहाँ पे वाइल लूप या नेस्टेड फॉर लूप्स लगे हुए हैं, सो उससे बहुत ज़्यादा बेटर होगा। जस्ट लेट मी राइट इट डाउन, ओके। तो फिर अगर आपको ये फंक्शन कॉलिंग किस सीरीज़ में हो रही है वो अगर आपको समझ में आ चुका है, तो फिर मैं अब आपको इन फंक्शंस के पैरामीटर्स एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके। तो फिर सबसे पहला पैरामीटर क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स आप फंक्शन को मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो फिर यहाँ पे इंट मैट्रिक्स पास हो जाएगा, है ना। और क्योंकि सबसे पहला जो फंक्शन है वो ट्रैवर्स राइट होगा, तो फिर जब राइट साइड में जा रहे हो, यानी कि आप एक रो में ट्रैवर्स कर रहे हो, तो फिर आपको रो नंबर पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इंट्रो हो जाएगा, फिर आपको उनका स्टार्ट और एंड पॉइंट पता होना चाहिए, है ना। तो फिर इंट स्टार्ट और फिर इंट एंड आ जाएगा, और उसके बाद आपको एक काउंट मेंटेन करना है, राइट, ताकि जब आपका काउंट एम स्टार एंड के बराबर हो जाए, काउंट इज इक्वल्स टू एम स्टार एन, तो फिर फंक्शन कॉलिंग बंद हो जाए, मतलब कि जो भी रिकर्शन में जो सीरीज चल रही है आपको वहाँ से रिटर्न हो जाना है, है ना। तो फिर एक आपको काउंट चाहिए इन सी एन टी, और उसके बाद आपको एक लिस्ट चाहिए जिसमें आप अपना आंसर मेंटेन कर रहे हो, राइट, ताकि जब भी आप किसी एलिमेंट पे हो आप उसको इस लिस्ट में ऐड कर दो, है ना। और फिर वो जो लिस्ट है वो आपका जो जज है उसको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दीज पैरामीटर्स आर द ओनली वन विच रिक्वायर्ड, ओके। ये इंट एंड है, ओके। तो फिर ये आपका ट्रेवर्स राइट का पैरामीटर्स हो गए। अब फिर इसका बॉडी लिखते हैं, ओके। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको चेक करना है कि जो आपका काउंट है वो आपका एम स्टार एन के बराबर तो नहीं हो गया। अगर हो गया है देन यू हैव टू रिटर्न, और ये एम और एन अब कहाँ से निकालोगे,
वो आपको मिल जाएगा मैट्रिक से। तो बेसिकली इफ़ के ऊपर बेटर हो कि आप ये वो दो लाइन ऐड कर लो, इंट एम इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ, इंट एन इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ज़ीरो डॉट लेंथ। तो ये बेसिकली जावा का है सिग्नेचर, सी प्लस प्लस में भी आप निकाल सकते हो इजली। ओके, तो ये तीन लाइंस ऐड हो जाएंगी। ओके हाँ, अब इसके बाद जब ये चीज़ फॉल्स हो गई तो फिर आप मतलब कि ट्रेवर्स कर सकते हो आगे मैट्रिक्स को। ओके, तो फिर अब वो ट्रेवर्सल कैसे होगा वो मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन किया हुआ था। ओके, तो आप फॉर लूप लिखोगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट, आई लेस देन इक्वल्स टू एंड, आई प्लस प्लस, और आपको वो जो भी आप ट्रेवर्स कर रहे हो उसको आपको अपने आंसर में ऐड करना है एक लिस्ट में, आंसर डॉट ऐड, मैट्रिक्स, और क्योंकि आप रो में ट्रैवर्स कर रहे हो तो फिर रो यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपने ए फंक्शन में आपने ट्रैवर्स कर लिया अब। ओके, और फिर अब आपको अगला ट्रैवर्सल कॉल करना है, यानी कि आप राइट में गए फिर आपको नीचे आना है, यानी कि अप टू डाउन। ओके, सो ट्रैवर्स डाउन ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब इसमें आप पैरामीटर्स क्या पास करोगे? ठीक है, सिग्नेचर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, बस आपको पैरामीटर्स का देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एज सेम मैट्रिक्स जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आपको कॉलम नंबर देना है। ठीक है, अब क्योंकि आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे है ना, तो फिर ये आपका स्टार्ट था और ये आपका एंड था, तो अब आपको इसी कॉलम में ट्रैवर्स करना है राइट। तो जो एंड था वही आपका अगले ट्रैवर्सल के लिए मेन कॉलम हो जाएगा राइट। आपको फिर उसी कॉलम में अप टू डाउन जाना है, तो फिर आप रो नंबर के जगह पे आप अब कॉलम नंबर पास कर दोगे जो कि आपका अभी एंड हो चुका होगा, एंड मतलब ये एंड नंबर। ओके, फिर आपका स्टार्ट क्या होगा? अब क्योंकि आप ये वाला पूरा ट्रैवर्स कर चुके हो तो फिर आपको अगला रो नंबर सेंड करना है राइट। तो जैसे कि अगर यहाँ पे रो था, लेट से रो एक्स मान लो, तो अगले वाले ट्रैवर्सल में आप रो एक्स प्लस वन पास कर दोगे। ओके, तो फिर जो आपका स्टार्ट था वो आपका रो प्लस वन हो जाएगा, रो यानी कि ये वाला नंबर प्लस वन। और एंड क्या होगा? ओके, तो फिर मैं ये वाली लिमिट एक्सप्लेन कर रहा था कि स्टार्ट तो आपको पता है कहाँ से करोगे लेकिन एंड कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे आएगी? तो आपको पता है कि जब आप फर्स्ट तो ट्रैवर्स कर रहे हो तो आपने लास्ट वो तो ट्रैवर्स नहीं किया होगा है ना, क्योंकि इसका नंबर पहले आएगा फिर इसका नंबर बाद में आएगा। ठीक है, तो फिर मान लो कि आप फर्स्ट रो पे थे तो फर्स्ट रो का नंबर क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। और अब आप फिर कहाँ तक जा सकते हो? आप फिर एम माइनस वन तक जा सकते हो है ना, मतलब आप ये वाला रो ट्रैवर्स कर सकते हो। फिर अगर आप फर्स्ट वाले रो पे थे तो फिर आप कहाँ तक जा सकते हो? आप जा सकते हो इस वाले रो तक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एम माइनस वन माइनस वन, क्योंकि ये रो नंबर एम माइनस टू आएगा है ना। फिर आप यहाँ तक गए, आपने ये ट्रैवर्स किया, फिर आप फिर से ऊपर आ गए। फिर जब आप थर्ड वाले नंबर पे हो आप कहाँ तक जा सकते हो? केवल यहाँ तक। इसका नंबर क्या हो जाएगा? एम माइनस थ्री हो जाएगा। तो फिर किसी भी आईएथ रो के लिए आपकी लिमिट क्या बन रही है? एम माइनस वन माइनस आई, यानी कि रो नंबर। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये पैरामीटर हो गया, ये हो गया, फिर बच्चा आपको काउंट। तो एक चीज़ मैं भूल गया था कि यहाँ पे जब आंसर में आप ऐड कर रहे हो ना तो यहाँ पे आपको सी एन टी प्लस प्लस भी करना है। ओके, यू हैव टू इंक्रीमेंट अ काउंट ऑलवेज। ओके, और फिर जो भी आपका जो लिस्ट बना था अभी तक आंसर, वो आप आगे फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका सॉरी ट्रेवर्स डाउन के पैरामीटर्स हो गए। ठीक है,
और जब आप ये वाला फंक्शन लिखोगे इसकी बॉडी एग्जैक्टली सेम होगी, यहाँ तक के बस आपको ये कि आपको आई और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ठीक है, बाकी हर चीज़ सेम होगा। फिर ट्रेवर्स डाउन में आप ट्रेवर्स लेफ़्ट कॉल करोगे और ट्रेवर्स लेफ़्ट के अंदर आप ट्रेवर्स अप कॉल करोगे, ठीक है। अभी मैं आपको सीधा कोड दिखाऊंगा, ओके, आप आगे वाले फंक्शन के पैरामीटर्स खुद से आप सोच सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं कोड दिखाऊंगा, लेकिन यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ फॉर राइटिंग द अदर फंक्शंस, ओके, एंड चेक इट आउट वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, ओके। तो अभी मैं आपको कोड पर जंप कर रहा हूँ, ओके। सो गाइस, ये मैंने सबमिट किया था Feb 21 को, ओके। तो कोड आप एक बार देख लो। तो सबसे पहले तो मैंने m और n निकाल लिया, ठीक है। फिर कॉल क्या होगा, हमें सबसे पहले राइट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो फिर ये मूव एक्स राइट, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद पैरामीटर्स आप पास कर दो, मैट्रिक्स स्टार्ट एंड रो नंबर और काउंट, ठीक है। फिर ये तो आपके बेस केस हो गया, इंट m, m और n आपने निकाल लिया, आपने काउंट मैच किया, अगर काउंट ज़्यादा हो गया तो फिर आप रिटर्न हो जाओगे, आपका रिकर्शन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप ट्रेवर्स करोगे उसको। तो ये देखो, ये जो इंट m है यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ तक है ना, ये मूव वाई डाउन से पहले, कि पूरा का पूरा जो कोड है ये आपका हर फंक्शन में काइंड ऑफ रिपीट होगा, ठीक है। बस ये आई और कॉलम में दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, बस ये जो पैरामीटर्स आप पास करोगे अगले फंक्शन में वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो जब आप राइट डायरेक्शन में गए उसके बाद आपको डाउन जाना है, राइट, तो फिर आप वो मूव डाउन वाला फंक्शन कॉल कर दोगे जो कि आपने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ओके। फिर सेम चीज़ आप मूव एक्स लेफ्ट कॉल कर दोगे, ठीक है, आपको पैरामीटर्स यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे, ओके। और फिर आप लेफ्ट में जाओगे, पूरा का पूरा बॉडी लिखो, फिर उसके बाद आप पैरामीटर्स यहाँ पे चेंज कर दो, ओके। फिर आप अप जाओगे, फिर आपको फिर से जो राइट वाला फंक्शन था आपको वो कॉल करना है, ओके। फिर आप फिर से ऊपर पहुँच जाओगे जब आप राइट साइड में ट्रेवर्स कर रहे होगे, बस आपके पैरामीटर्स चेंज हो चुके होंगे, स्टार्ट एंड और रो नंबर, ओके। तो पूरा ये जो कॉल है ये इस साइकिल में चलता रहेगा, ख़त्म कब होगा, जब आपका काउंट जो है वो एम स्टार एन के बराबर ना हो जाए। और अगर आप ये वाला कंडीशन नहीं लिखोगे तो फिर आपका फिर इन्फिनाइट रिग्रेशन कॉल होता रहेगा, ओके। सो प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीमेंट द काउंट, ओके। सो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ट्राई टू राइट इट डाउन। और बेसिकली आपको अपने कोड को एक मॉड्यूलर फंक्शन में तोड़ना होता है अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो, है ना। एंड दिस कैन बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू, एंड आई बिलीव दैट दिस वन इज़ मोर इजी टू इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्योंकि आपको सेम कोड कॉपी पेस्ट करना है हर टाइम, बस आपको इन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दिस यू कैन इंटुटिवली गेट इन द इंटरव्यू ऑल्सो, ठीक है। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो फिर आपको वहाँ पे इतना तो दिमाग आप लगा ही लोगे, है ना, कि आपको लिमिट्स क्या रखनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।